हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट से लेकर फोर्थ पार्ट तक सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स फाइंड, और फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2, यानी हमें 2/5 को डिवाइड करके दिखाना है 1/2 से। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आप दो ऐसे नंबर्स को डिवाइड करें जो कि फ्रैक्शन में हो, तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? एक तो इस डिवाइड को हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और डिवाइड की राइट साइड में जो नंबर होता है इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम इसी मेथड से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है, 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2। अब यहां पर स्टूडेंट सबसे पहले तो ये 2/5 हमने एज इट इज ले लिया, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, इसके बाद हम 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे। अब 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा देखिए स्टूडेंट्स, 1/2 का रेसिप्रोकल इसका मतलब ये है कि हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, तो 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, और अपॉन में 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 का रेसिप्रोकल क्या है, 2 है। तो यहां पर हमने 1/2 का रेसिप्रोकल लिया यानी कि 2। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो देखिए यहां न्यूमरेटर में 2 है, यहां भी 2 है, 2 × 2 = 4 होता है, तो यहां पर न्यूमरेटर में 4 आ गया, यहां डिनोमिनेटर में 5 है, यहां डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहां 1 है, 5 × 1 = 5 होता है, तो यहां डिनोमिनेटर में 5 आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि जब हमने 2/5 को डिवाइड किया 1/2 से, तो हमें आंसर मिला 4/5। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3। तो सबसे पहले तो इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है, 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3। अब ये 4/9 यहां पर एज इट इज आ गया, डिवाइड को हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में, और अब हम इस 2/3 का रेसिप्रोकल लेंगे। 2/3 का रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट्स 3/2। अब इसके बाद ध्यान से देखिए कि यहां न्यूमरेटर में 4 है और यहां डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये 4 और 2 आपस में सॉल्व हो सकते हैं, ये दोनों ही 2 से कटते हैं। तो देखिए 2 × 2 = 2 × 4। अब ये देखिए स्टूडेंट्स के यहां पर भी न्यूमरेटर में ये देखिए 3 है और यहां डिनोमिनेटर में 9 है, ये 9 और 3 भी आपस में सॉल्व हो सकते हैं, ये दोनों ही 3 से कटते हैं। तो देखिए 3 × 3 and 3 × 9। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां न्यूमरेटर में 2 है, यहां 1 है, 2 × 2 होता है, तो यहां न्यूमरेटर में 2 आ गया, यहां डिनोमिनेटर में 3 है, यहां 1 है, 3 × 3 होता है, तो यहां डिनोमिनेटर में 3 आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि जब हमने 4/9 को डिवाइड किया 2/3 से, तो हमें आंसर मिला 2/3। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 3/7 डिवाइडेड बाय 8/7। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है, 3/7 डिवाइडेड बाय 8/7। अब ये 3/7 तो यहां पर एज इट इज आ गया, डिवाइड को हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में, अब हम 8/7 का रेसिप्रोकल लेंगे। 8/7 का रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट्स 7/8, तो यहां हमने लिखा 7/8। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये न्यूमरेटर में 7 है और यहां डिनोमिनेटर में 7 है, तो ये 7 और 7 ये आपस में कट जाएंगे, ये दोनों ही 7 से कटते हैं, 7 × 7 and 7 × 7। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो यहां न्यूमरेटर में 3 है, यहां 1 है, 3 × 3 होता है, तो यहां न्यूमरेटर में 3 आ गया, यहां डिनोमिनेटर में 1 है, यहां डिनोमिनेटर में 8 है, 1 × 8 = 8 होता है, तो यहां डिनोमिनेटर में 8 आ गया। तो जब हमने 3/7 को डिवाइड किया 8/7 से, तो हमें आंसर मिला 3/8। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 2 × 1/3 डिवाइडेड बाय 3/5। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है, 2 × 1/3 डिवाइडेड बाय 3/5। अब स्टूडेंट्स ये जो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए 3 × 6 = 6 + 1 = 7 होता है, तो यहां न्यूमरेटर में 7 आ गया, अपॉन में 3 है, तो अपॉन में 3 एज इट इज आएगा, डिवाइड का साइन एज इट इज आ गया, 3/5 भी हमने एज इट इज रखा। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ये 7/3 तो एज इट इज आ गया,
डिवाइड को हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में, अब हम 3/5 का रेसिप्रोकल लेंगे। 3/5 का रेसिप्रोकल होता है 5/3, तो यहां पर हमने 3/5 का रेसिप्रोकल लिख दिया 5/3। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ न्यूमरेटर में 7 है, यहाँ 5 है, 7 × 5 = 35 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 35 आ गया, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 × 3 = 9 होता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 9 आ गया। तो जब हमने 2:1/3 को डिवाइड किया 3/5 से, तो हमें आंसर मिला 35/9। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।